हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट और बढ़िया कविता के अंदाज में हम बात करते हैं। इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा ग्राउंड, खुला आसमान, बाग बगीचे, प्यारे प्यारे फूल, प्यारी सी खुशबू। मैं दूर कहीं गया, मैं दूर कहीं गया, छोटा सा गटर मुझे दिखाई दिया, छोटा सा ढक्कन थोड़ा उठाया, थोड़ा सरकाया, इतनी बड़ी लकड़ी, अरे भाई इतनी बड़ी लकड़ी किसी से मंगवाई, गटर में डाली, गोल घुमाई, गोल घुमाई, सिर झुकाया, सिर झुकाया। हाँ, उसमें से क्या आएगा, बदबू या खुशबू? बदबू आएगी, यस और नो? तो आप मैंने और मुझे में उत्तर दीजिएगा। आप बाग बगीचे, खुला आसमान, फूल की खुशबू, ये सब कौन देख रहा था? मैं खुद। वो रास्ता किसने देखा, वो गटर किसने देखा, वो ढक्कन किसने देखा? मैंने खुद ने देखा। वो ढक्कन उठाया किसने, लकड़ी मंगाई किसने? मैंने खुद ने मंगवाई, लकड़ी घुमाई भी, उसको सूंघा भी, उससे जो बदबू आ रही थी उससे मुझे तकलीफ भी हमें हुई। आया ना, एग्री करते हैं आप? वैसे ही हमारे खुद के जीवन में बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं ईश्वर ने हमको दी हैं। आया ना, दूसरे के जीवन में भी बहुत कुछ है। हमारे आसपास में लोग हैं जिनमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं लोगों ने, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ हो या सामने वाले व्यक्ति की लाइफ हो, क्या करते हैं, उस गटर के ढक्कन के पास जाते हैं, खोलते हैं, लकड़ी घुमा घुमा के बात करते हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अरे भाई, खेत खलियान, इतना आकाश, पूरी आपके पास कायनात है सोचने के लिए, आपके जीवन के बारे में और दूसरे के जीवन के बारे में भी। माना आपके जीवन में प्रॉब्लम रही, समस्या रही, तकलीफ रही, 24 घंटे थोड़े ना रही यार, प्रॉब्लम आई और निकल भी गई हूँ। आया ना, यस और नो? और आपने कुछ खामियां हैं, इम्परफेक्शन है तो रहने दीजिए, गटर के ढक्कन में डाल के रख दीजिए उसको, कोई बात नहीं। किसी और के लाइफ में भी कुछ कम ज्यादा बात समझ में आती है, गटर के ढक्कन में डालिए और बंद करके रख दीजिए उसको एक तरफ। आप बात समझ रहे हैं हमारी? आप देखिए, इतना कुछ जानने समझने के लिए है, आप देसी से जुड़ रहे हैं, स्काई इज द लिमिट है उसके लिए, करने के लिए आप उस गटर के ढक्कन पे मत जाइए। इसी में कोई खामियां हैं, आप में खामियां हैं, कोई बातें हैं, कोई चीजें हैं, कोई छोटी मोटी बात रह गई होगी, उलझन हो गई होगी, छोड़ दीजिए यार उसको। आया ना? और देखिए एक और बात, यदि मान लीजिए आप परफेक्शन के चक्कर में रहोगे ना, कि हर चीज ऐसी परफेक्ट चाहिए, वैसी परफेक्ट चाहिए, तो आप तो दुखी और परेशानी रहने वाले हैं, खुद भी फ्रस्ट्रेट रहेंगे, दूसरे को भी फ्रस्ट्रेशन में डालने वाले हैं। आप पता है आपको आपने क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए आपके घर में डस्टबिन है, जूते उतारने की जगह है, टॉयलेट है, कि आप कहीं भी टॉयलेट करते हैं, कहीं भी जूते उतारते हैं, अरे भाई एक जगह होती है, उस जगह पे पार्किंग का जो जगह होती है वहाँ पार्किंग करते हो, या डस्टबिन की जगह वहाँ पे कचरा डालते हो, टॉयलेट की जगह टॉयलेट करते हो, यस और नो? लेकिन पूरे घर में तो आपके पास हॉल भी है, किचन भी है, डाइनिंग भी है, पूजा घर है, टेरेस है, पार्किंग है, आंगन है, गार्डन है, बहुत कुछ घूमने के लिए है, है? आया ना? वैसे ही अपने जीवन में यदि कुछ इम्परफेक्शन है, कुछ कमियाँ या खामियाँ हैं, उसको एक डस्टबिन के तौर पे रहने दीजिए। औरों के जीवन में भी कोई डस्टबिन हो, उसकी कोई इम्परफेक्शन की बात हो, उसको रहने दीजिए। समझ में आ रही बात, यस और नो? इम्परफेक्शन को भी डस्टबिन से खाली कर दीजिएगा, फिर दूसरा उसमें भर दीजिएगा, यस? तो आज से ही आप निर्णय लीजिए कि अपने जीवन में भी आप जो इतनी सुंदर कायनात है ना, इतनी सुंदर प्रकृति ने जो आपको काया दी है, आपके अंदर जो गुण दिए हुए, आपके अंदर जो अच्छी बातें हैं, जो आसपास में जो अच्छी बातें हो रही है, उस पर आप ध्यान दीजिए, यस और नो? आया ना? तो उसको फॉलो करिए। कब करना है? आज से और अभी से फॉलो करना है। जिसमें भी देखिए अच्छी बात देखिए, अपने में भी अच्छी बात देखिए, और सब अच्छा अच्छा ही है, ठीक है? हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की बात जानेंगे। बाय बाय, सी यू। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।